नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और कल रात से लाइट नहीं है, इस लाइट के चक्कर में कल रात का पढ़ाई का स्केड्यूल और सुबह का पढ़ाई का स्केड्यूल बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। बहरहाल, इस गुड मॉर्निंग के साथ इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं भाई, ठीक है? तो काफ़ी समय बाद व्लॉग की शुरुआत इस प्रकार की गुड मॉर्निंग से होगी, क्योंकि अब मॉर्निंग का जो स्केड्यूल है वो काफ़ी टाइट हो चुका है। कुछ समय के लिए, जब तक एग्ज़ाम नहीं होते हैं उस समय के लिए, थोड़ा सा मॉर्निंग का जो स्केड्यूल है वो टाइट है। तो चलिए, नींद को त्याग कर स्टडी टेबल की ओर चलते हैं, ठीक है? कुछ ही समय की बात है, उसके बाद फिर लेट मॉर्निंग तक सोते रहेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टडी टेबल की ओर, और जो कल रात का टाइम टेबल था वो रह गया था, ठीक है? ऑल इन वन, ये ऑल इन वन के नोट्स हैं, सब कुछ इसमें है। और यहाँ से शुरू करते हैं एग्ज़ाम स्पेशल से, यहाँ तक तो हो गया था। आर्टिकल्स यहाँ पर भी हैं, आर्टिकल्स इसमें भी हैं, आर्टिकल्स इसमें इंग्लिश में हैं, इसमें हिंदी में हैं, ठीक है? चलिए, ये तो शॉर्ट नोट्स से ही कुछ लर्न करने के लिए। फ़िलहाल यहाँ से हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, और लक्ष्य होगा कि 62 से स्टार्ट करेंगे हम, तो 80 तक पहुँच जाएं। 80 तक का हमारा पहुँचने का लक्ष्य है, मतलब हमने आज सुबह मॉर्निंग वाला है, जब तक ब्रेकफास्ट की तैयारी होती है, इतना यहाँ से यहाँ GS तो यहाँ हो जाएगा, फिर उसके बाद उत्तराखंड का नंबर आएगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ भाई कि व्लॉग को कंटिन्यू रखें, और जो मैं सीख रहा हूँ उसका कुछ परसेंटेज आपको भी सीखने को मिले। तो इसका मतलब यह है कि मैं आपसे प्रत्येक व्लॉग में एक या दो क्वेश्चन करूँगा। वो क्वेश्चन कुछ खास टप नहीं होंगे, आपके बौद्धिक विकास से संबंधित होंगे, और आप उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे, ठीक है? तो ऐसे में साथ में मिलकर अगर सीखेंगे तो और जल्दी हम सीख सकते हैं, ठीक है? और चलिए, मैं इसी के साथ आज का क्वेश्चन आपको देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन ये है भाई, ये वाला पाँचवा, भारतीय मुद्रा के प्रत्येक नोट पर धनराशि अमाउंट कितनी भाषाओं में लिखी होती है, ठीक है? जो भारतीय मुद्रा है उसकी, जो भारतीय करेंसी है, इंडियन करेंसी है, उसके प्रत्येक नोट पर जो धनराशि अमाउंट लिखी रहती है ना, वो कितनी भाषाओं में लिखी रहती है, नोट के किनारे पे लिखी रहती है, रुपया ऐसा ऐसा करके ना, तो वो कितनी भाषाओं में लिखी रहती है उसका आंसर आपने करना है भाई, ठीक है? तो चलिए, अपने जेब से कोई सा भी नोट निकालिए और उस नोट में देखिए कि कितनी लैंग्वेजेस, कितनी भाषाओं में उसकी मुद्रा कितनी भाषाओं में लिखी हुई है, ठीक है? और आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो कुछ इसी प्रकार के व्लॉग रहेंगे। क्या होगा कि सुबह का रूटीन, सुबह उठना, सुबह का वेदर, ठीक है? उसके बाद स्टडी टेबल पर 2-3 क्वेश्चंस, फिर उसके बाद किचन, और फिर ऐसे ही व्लॉग का समापन भी होगा, ठीक है? तो ऐसे ही कंटिन्यू व्लॉग करेंगे तो शायद अच्छा रहेगा, ठीक। तो पहुंच गया हूँ भाई किचन में पहुंच गया हूँ। कल रात की सब्जी बची हुई है और अभी रोटी बना रहा हूँ भाई नाश्ते में, ठीक है? यहाँ पे आटा बना के रख दिया है मैंने, ये लोही बना के रख दी है आटे की, और ये इसको रख दिया है भाई गैस के ऊपर, ठीक है? और ये सब्जी बची हुई है कल रात की, तो ऐसे ही चलेगा भाई, ठीक है?
ये क्रीम रूल इसलिए मिला दिया, पता देवंशी हमसे किस मिला, किस लिए मिला, किस लिए मिला है पता है किस लिए? ये इसलिए मिला है क्योंकि तुमने क्या किया है, पढ़ाई नहीं, तुमने मात्राएं सीखी हैं, ठीक है, तुमने मात्राएं सीखी हैं ना, मात्राएं, मात्राएं सीखी हैं और सारी बराखड़ी भी लिखी है ना, तो इसलिए तुम्हें ये क्रीम रोल मिला है भाई, ठीक है। तुमने बहुत जल्दी सीखी है ना मात्राएं, और नहीं सीखते हैं तो नहीं मिलना था ना, तो इतनी जल्दी वैसे मात्राएं नहीं सीखते हैं छोटे बच्चे जितने तुम हो, ठीक है, फिर भी तुमने सीखी हैं और थोड़ा बहुत पढ़ना भी सीखा है, ठीक है, क्योंकि तीन या फोर, थर्ड या फोर्थ क्लास वाले बच्चे भी अभी तक हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो जब तक तुम क्लास वन में जाओगे तब तक तुम अच्छी हिंदी सीख जाओगे, ठीक है। अभी तो तुम कहाँ, किस, कौन सी क्लास में हो, बाल वाटिका में, भाभी तो बाल वाटिका में हो ना, ठीक है, लेकिन जब क्लास वन में चले जाओगे तो अच्छा सीख जाओगे। अब क्या करना है, अब हमने व्यंजन सीख लिए हैं, स्वर सीख लिए हैं, अब केवल क्या करना है, मात्राएँ सीख लिए हैं, अब प्रैक्टिस करना है, रोज़ प्रैक्टिस करना है घर पे, ठीक है। और अब हम मैथ्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, मैथ्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर, ठीक है, चलो नंबर की स्पेलिंग लर्न करो। देवान से तू ही पढ़ रही है, हाँ, तो तू जी बनाना सीखे, जी, जी इज़ फॉर गन, ठीक है, तूने क्या सीखा है, अरब ने क्या सीखा है, कुछ सीखा है उन्होंने, क्या लिख रहा है तू, जोड़ घटाना, हाँ, डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन एडिशन और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है, सीखो, ओके 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 देवांशु, ओके अंशिका, ओके देवांशी, ओके।